दो दिन का ये जो कार्यक्रम है पचमढ़ी में होने जा रहा है, किस तरह का ये एक चिंतन शिविर है, कौन कौन इसमें मुख्य रूप से सम्मिलित होगा और मुख्य रूप से सबसे ज्यादा किस चीज पर फोकस किया जाएगा? राखी, हमारी पार्टी एक जीवंत पार्टी है और जीवंत व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो हमेशा चिंतन करता है, विचार करता है, और जो मृत होते हैं वो नहीं सोचते। मृत जितने भी होते हैं वो सोच समझ की जो चीजें होती हैं उससे परे होते हैं। तो एक जीवंत पार्टी होने के नाते हम विचार करते हैं और चिंतन करते हैं, और चिंतन सबसे बड़ा होता है। आगे का रोड मैप, आगे के रोड मैप पे संगठनात्मक भी होता है, और लेकिन जब सरकार करती है तो सरकार इसलिए करती है कि जन सरोकार कितना कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं, और जो बाधाएं आती हैं उनको सुलभता से कैसे उनका निदान कर सकते हैं। और कायदे से मैं छीटाकशी करने से बचता हूं हमेशा, लेकिन चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कांग्रेस को कि इतने ज्यादा लज्जामयी हार के उपरांत गांधी परिवार को रखना चाहिए या उनको 9-2-11 कर देना चाहिए। हालांकि ये इनका इंटरनल मामला है, लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी जीवंत पार्टी है कि हम जीत के जश्न में हम अपने चिंतन को नहीं भूलते। हम तब भी चिंता करते हैं कि जनता का सरोकार कैसा हो। उसके पीछे मूल मकसद यह है कि सिंहासन पर पहुंचना कदापि हमारा लक्ष्य नहीं होता। सिंहासन जो होता है वो निमित्त माध्य होता है कि जनता का सरोकार कैसे हो सके, और उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सिद्धार्थ जी, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक बात कही है, या तंज कह लीजिए, ताना कह लीजिए, छींटाकशी कह लीजिए, कुछ भी, कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी के चिंतन को चिंता कह रही है कांग्रेस, ऐसा क्यों? देखिए, कांग्रेस तो जो कहे वो कम है, क्योंकि ईश्वर ने जीव दी है, कैसे भी चला सकते हो। कुछ लोग जीव को गाली बकने के लिए चलाते हैं। मेरा सवाल सिद्धार्थ जी से मेरा सवाल था। सिद्धार्थ जी से पूछ लीजिए, मैं भी जवाब दे सकता हूँ उस बात का, वैसे आप चाहें तो। ठीक है, चलिए, अच्छा आप पूरा कीजिए, उसके बाद मैं जवाब सिद्धार्थ जी से लेती हूं। मेरा कहना यही है कि ईश्वर ने हर किसी को जीव दी है। एक व्यक्ति जो है उसका उपयोग करता है अध्ययन के लिए, शास्त्रों के उपयोग के लिए, कि शास्त्रों को बखान करने के उपयोग के लिए, और दूसरा गाली गुफ्तार करने के लिए। अब मध्य प्रदेश में जो सर्वे सर्वा है कांग्रेस के माननीय दिग्विजय सिंह जी, वो किस चीज के लिए करते हैं मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों को इतनी करारी हार हुई है उनको चिंता होना चाहिए। यदि वो निश्चिंत है तो ये मेरी खुशकिस्मती है, मेरे दल की खुशकिस्मती है। मैं दुआ करता हूँ कि ये और निश्चिंत रहे। ठीक है सिद्धार्थ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए सिद्धार्थ जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। गुलरेश जी, अभी ये पचमढ़ी में जो 2 दिन का कार्यक्रम है, कौन कौन लोग इसमें मुख्य रूप से सम्मिलित हो सकते हैं, क्या कोई ऐसी सूचना आपके पास है, या किन चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर 2023 की तैयारी है ये? देखिए, डेफिनेटली शिवराज जी रहेंगे, बाकी नरोत्तम जी रहेंगे, हमारे अन्य वरिष्ठ रहेंगे। और आपको जो बार बार लगती है ये बात कि हम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी तैयारी तो शुरू दिन से लग जाती है, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव के लिए। लेकिन वो तैयारी जब सरकार करती है तो कैसे करती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत पहुंचा सकें, उनको सुविधाएं ला सकें, उनके मार्ग के सभी कंटकों को हम विनाश कर सकें, तो अपने आप ही तैयारी हो जाती है। राखी,